नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल ग्रह प्रणाली हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी की बाहरी सर्पिल भुजा में स्थित है। पूरे ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य मध्य स्थान में स्थित है। 8 ग्रह, एक बोना ग्रह यानी ड्रॉप प्लैनेट, दर्जनों चंद्रमा और लाखों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड शामिल है। यह सभी अपनी एक निश्चित कक्षा में रहकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन सभी प्रकार के घटकों से मिलकर हमारा सौर मंडल बना है। अब हम सौर मंडल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य मध्य स्थान में स्थित है और सूर्य के सबसे करीब जो प्लैनेट है उसका नाम है बुध ग्रह यानी मरकुरी। दूसरे स्थान पर है शुक्र ग्रह यानी विनस। तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी यानी अर्थ है। चौथे स्थान पर है मंगल ग्रह यानी मार्स। और इन चारों ग्रहों के बाद आता है क्षुद्र ग्रहों का घेरा यानी एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें हज़ारों की संख्या में लघु ग्रह अपनी कक्षा में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर सिस्टम का पांचवा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। छठे नंबर पर है शनि ग्रह यानी सैटर्न। नंबर 7 पर है अरुण ग्रह यानी यूरेनस। हमारे सौर सिस्टम का आठवा ग्रह है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह है जिसका ग्रह होने का दर्जा अभी छीन लिया गया है, जिसका नाम है प्लूटो, जिसे अभी बोने ग्रह का यानी ड्रॉप प्लैनेट का दर्जा प्राप्त है। प्लूटो काइपर बेल्ट में शामिल सबसे बड़ा प्लैनेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।